बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है कि मैक्सिमाइज द फंक्शन। फंक्शन हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, ठीक है। ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया है कि इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन है, इनइक्वालिटीज 2y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8। एक इनइक्वालिटी ये होगी, दूसरी इनइक्वालिटी है x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और थर्ड इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। और फोर्थ इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चार इनइक्वालिटीज हैं हमें गिवन और साथ में हमें कहा गया इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो हम इन इक्वालिटीज को स्केच करते हैं अपने ग्राफ पेपर पे। तो उसको स्केच करने के लिए हम बारी बारी इन इक्वालिटीज को लेकर चलते हैं और उसमें से पॉइंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इस इन इक्वालिटी को लेकर चलते हैं, 2y माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। इसके इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पहले तो हम इसकी जो है इक्वेशन फाइंड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो वो किस तरह आएगी, इस इन इक्वालिटी की जगह हम इक्वल का साइन डाल देते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये बन गई कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसमें हम पहले x को 0 पुट करते हैं y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0 तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x हमने 0 पुट किया और y हमारे पास 4 आया, ये पॉइंट वन आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम पॉइंट टू फाइंड करेंगे, किस तरह से कि हम y को 0 पुट करेंगे और x जो है इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। एट y इज इक्वल टू 0 उसी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में तो 2 इंटू y 0 हो जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 8, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट टू जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x की वैल्यू माइनस 8 है जबकि हमने y को 0 पुट किया था, ठीक है। ये पॉइंट वन और पॉइंट टू आ गए। अच्छा, अब इसके बाद हम दूसरी इनइक्वालिटी को लेकर चलते हैं, x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें से भी हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं, x माइनस y लेस देन इक्वल टू 4। अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है इस इनइक्वालिटी की, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 0 y इंटरसेप्ट के लिए एट एक्स इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, बल्कि y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0,4, ठीक है। पॉइंट 3 इसका नाम दे देते हैं 0,4 क्योंकि हमने x की वैल्यू 0 पुट की और y की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह से हम अब y को 0 पुट करते हैं, ठीक है। एट y इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा P4 जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,0 क्योंकि हमने y को 0 पुट किया, ठीक है, तब हमें x की वैल्यू 4 मिली, तो ये पॉइंट 4 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। पहला ये जो पहले इनइक्वालिटी से जो पॉइंट आया था 0,4 उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पॉइंट 1 ग्राफ पे 0,4 कहां पर बनता है, y एक्सिस पे, क्योंकि x 0 है और y की वैल्यू 4 है। 1, 2, 3, 4 यहां पर ये पॉइंट बनता है, ठीक है, पॉइंट 1। अच्छा, अब और पॉइंट 2 जो है, पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -8,0, ठीक है। तो -8 एक्स एक्सिस पे और 0 भी एक्सिस पे आएगा वाई का, ठीक है। तो -8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पर आकर जो है ये पॉइंट 2 बनता है, पॉइंट 2, ठीक है, 0, -8, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन से करना है या स्ट्रेट लाइन से करना है ये हम इस पे अपनी इनइक्वालिटी पर डिसाइड करते हैं। अगर इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन भी है, मतलब कि ये देखें इक्वल का साइन दिया है, मतलब कि हमारे रीजन में ये लाइन भी शामिल होगी, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में। ये लाइन बनती है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, ठीक है, P1 और P2 को। अब हम अपने पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पे आते हैं जो कि सेकेंड इनइक्वालिटी से हमने फाइंड किए थे।
ठीक है, पॉइंट थ्री जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0.4 और पॉइंट फोर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4.0। तो इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, 0.4 और 4.0। 0.4 कहां पर आएगा, वाई पे, 0.4। जब उससे पहले बल्कि ये एक्स इज इक्वल टू, जब हमने जीरो पुट किया था तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू -4 बनता है, ठीक है। तो इस पॉइंट थ्री के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.-4, तो 0.-4 को हम ड्रॉ करते हैं, 0.-4 नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर थ्री। और पॉइंट फोर क्या है, 4.0, ठीक है, ये 4.0.4 है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आकर ये बनेगा पॉइंट फोर। तो अब इसमें भी हम देखते हैं कि क्या ये लाइन डॉटेड होगी या नहीं। तो इस सेकंड इनइक्वालिटी में भी इक्वल का साइन है, तो ये डॉटेड लाइन नहीं होगी बल्कि स्ट्रेट लाइन से इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों लाइन पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, ये वो लाइन बनती है जो पॉइंट थ्री और पॉइंट फोर को ज्वाइन करने से बनी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में हमने थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी को भी देखना है। थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए और वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब के फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये दोनों जो है इनइक्वालिटीज किस चीज को शो कर रही है कि हमारा सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस लाइन के अबव का रीजन है या बिलो का रीजन है, ठीक है, अबव या बिलो, और इस लाइन का भी अबव या बिलो, ठीक है, मतलब कि इस लाइन से ओरिजिन वाली साइड पे या फिर ऑपोजिट ओरिजिन वाली साइड पे, ठीक है। तो वो तो हमें अभी तक चेक नहीं किया, तो वो किस तरह चेक करते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट को पुट करके देख लेते हैं इसकी इन इक्वालिटी में, ठीक है, इस लाइन की इन इक्वालिटी में। तो इन इक्वालिटी नंबर वन में हम पुट करके ओरिजिन को चेक करते हैं, 2y-x < 8 है, ठीक है, 2y-x > 8, इसमें ओरिजिन को पुट करते हैं y at 0.0, ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0.0, 0-0 > 8, मतलब के 0 > 8। तो ये तो ठीक है, मतलब के ये वेरीफाई कर रहा है ओरिजिन के 0 > 8, मतलब 0 > 8 ही होता है, तो ओरिजिन इसको वेरीफाई कर रहा है, मतलब के इसका रीजन जो है वो ओरिजिन वाली साइड पे होगा, तो उसको हम शेड कर देते हैं, ठीक है, तो इसका रीजन जो है वो ये होगा, ये सारा ओरिजिन वाली साइड पे इसका रीजन बनता है। अच्छा, अब हमने चेक करना है इसके सेकंड इनइक्वालिटी को, ठीक है, सेकंड इनइक्वालिटी में ओरिजिन वाली साइड पे ओरिजिन बनता है या उसके ऑपोजिट साइड पे। तो सेकंड इनइक्वालिटी कहां पर है, x - y = 4, इसमें हम ओरिजिन पॉइंट को पुट करेंगे, मतलब कि 0.0 at 0.0 0-0 > 4, मतलब 0 > 4, तो ये भी वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब कि ये भी ओरिजिन वाली साइड पे होगा इसका रीजन, ठीक है, तो उसको भी हम शेड कर देते हैं, तो ये रीजन बनेगा इसका रीजन, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कॉमन रीजन कौन सा बनता है, जहां पर ग्रीन शेड भी है और पिंक शेड भी है, तो यहाँ पर इसको मैं, और साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी होना चाहिए, तो इसको मैं बाउंड्री को डार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये रीजन बनता है, मैं ब्लैक कलर से उस रीजन की बाउंड्री को डार्क कर रहा हूँ जो चारों इनइक्वालिटीज को वेरीफाई करती है, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगी और साथ में बाकी दो इनइक्वालिटी जो ओमेगा है वो भी होगी, ठीक है, मतलब कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री बनती है एक्स एक्सिस की, और साथ में ये वाई एक्सिस की बाउंड्री बनती, ठीक है, और बाकी ये दो लाइंस जो हैं वो इनइक्वालिटी में आ जाती हैं, ये हमारे पास रीजन बनता है फिजिबल रीजन, ठीक है, इसको फिजिबल रीजन भी कहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और दूसरा बाउंडेड रीजन है
इनइक्वालिटीज से भी। अच्छा अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स की मैंने बात की थी, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब इसमें जहां पर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हों, ठीक है, कोई सी भी दो लाइंस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जो बाकी दो हमने इनइक्वालिटी देखी है, ठीक है, ड्रॉ की है, उनमें से भी कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हों और साथ में वो फिजिबल रीजन में भी शामिल हों, तो वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं। तो उसमें हम देख लेते हैं कौन से फिर कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं। एक तो ये मैं फिजिकल रीजन को मैं ब्लैक कलर से डार्क कर, ठीक है, अब इसमें आसानी होगी कॉर्नर पॉइंट्स देखने के भी। तो ये देखें, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस लाइन का, एक इस लाइन का, ठीक है, इसकी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो थी इसकी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन बनती है इस लाइन की। और ये जो है किसके साथ इंटरसेक्ट है, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है और ये जो है इंटरसेक्शन हमारे फिजिकल रीजन में भी आ रहा है। और साथ में ये पॉइंट देखें, ओरिजिन पॉइंट, ये दोनों, ये इंटरसेक्शन है किसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ठीक है, और साथ में ये फिजिकल रीजन में भी शामिल है, तो ये भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। और इसी तरह से ये आप देखें पॉइंट, ये भी इंटरसेक्शन है किस किस का, एक वाई एक्सिस का और साथ में इस लाइन का। इस लाइन की मैं इक्वेशन लिख देता हूं जो कि कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी हमारी इनइक्वालिटी की, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये इस लाइन का और y एक्सिस का इंटरसेक्शन है ये पॉइंट, और साथ में ये पॉइंट जो है ये इंटरसेक्शन है इन दोनों कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का, मतलब कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इन दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कितने बने, 1, 2, 3, 4, इनको मैं रेड कलर से शेड कर देता हूँ, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स को, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट है, सही, और एक ये कॉर्नर पॉइंट है, और साथ में ये जो इंटरसेक्शन है दो लाइंस का ये भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, तो ये चार कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं। तो इसकी हम कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस इन दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व करें तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। कौन कौन सी लाइंस हैं ये, एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और साथ में ये x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है, इसके पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी क्या थी, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर भी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करें तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, तो ये इन दोनों को सॉल्व करने से ये दोनों आपस में y कैंसिल, x इज इक्वल टू 4 और 4 पुट करें, y इज इक्वल टू 0 पहले से हमारे पास है, तो ये पॉइंट बनता है 0, 4, 0, ठीक है, 4, 0, ये हमारे पास बनता है एक कॉर्नर पॉइंट, तो इसको मैं C1 कह देता हूँ कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट C1, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 0। इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स फाइंड करते हैं, एक तो ओरिजिन जो है कॉर्नर पॉइंट, उसको उसके तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0, और साथ में इस के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं, ये किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है। अब हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं, ये एक तो है x इज इक्वल टू 0, ठीक है, y एक्सिस की इक्वेशन, और साथ में इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इन दोनों लाइन्स की इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं, 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4, ठीक है, और x साथ में x इज इक्वल टू 0 हमारे पास पहले से है, तो ये पॉइंट बनता है 0, 4, ठीक है, तो सी हमारे पास आया थर्ड कॉर्नर पॉइंट जो है 0, 4, और साथ में फोर्थ कॉर्नर पॉइंट ये है हमारे पास, ठीक है, इसको C1 कहा हमने, इसको C2 कहा, इसको C3 कहा, ठीक है, और साथ में इस पॉइंट को C4 कहते हैं, सही है, तो C4 हम किस तरह फाइंड करेंगे, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके, तो उन दोनों लाइंस की इक्वेशन कौन कौन सी है, एक एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 4
इस लाइन की इक्वेशन है और इस लाइन की इक्वेशन जो है वो है 2y-x = 8। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो है 16, 12। तो ये आ गया हमारे पास फोर्थ कॉर्नर पॉइंट। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं C4, 16, 12। ठीक है, ये चार कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इन चार कॉर्नर पॉइंट्स को हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे। तो चार कॉर्नर पॉइंट्स में पहले जो चार कॉर्नर पॉइंट्स हमारे बने थे उसके कॉर्डिनेट्स हैं, एक तो 0.0 बना था, ठीक है, और दूसरा कॉर्नर पॉइंट 4.0 और तीसरा कॉर्नर पॉइंट 0.4 और चौथा कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास आया था 16.12। ये चार कॉर्नर पॉइंट्स हैं और हमारे पास जो फंक्शन गिवन था f(xy) = 2x + 5y, ठीक है। अब इसको हमने मैक्सिमाइज करना था, मतलब कि हमने इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को इसमें पुट करना है, ठीक है, अलग-अलग, और हम वैल्यूज पहले फाइंड करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आती है हर कॉर्नर पॉइंट पे। तो एट 0.0 पहला कॉर्नर पॉइंट हम पुट करते हैं, f(0, 0) = 2.0 + 5.0, तो ये बन जाएगा 0, ठीक है, f(0, 0) = 0। और एट 4.0 पे क्या आएगा, f(4, 0) = x की जगह 4 आ जाएगा और y की जगह 0 आ जाएगा, तो ये बनेगा 8, ठीक है, इसकी वैल्यू आई 8 4.0 की। अच्छा, एट थर्ड कॉर्नर पॉइंट जो है 0.4, इस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है, 0.4 = 2×0 और +5×4, तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 20, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपना फोर्थ कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं एट 16.12 पे f(16, 12) = 2×16 + 5×12, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो बनेगी 92, ठीक है, क्योंकि 32 + 12 = 60 जो के बनता है 92। अच्छा, अब हमने देखना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे फंक्शन की किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू देख लें, एक 0 आई है, एक 8 आई है, एक 20 आई है और एक 92 आई है, तो 92 सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 92 है, और किस पॉइंट पे आई है, 16.12 पे, ठीक है, मतलब कि 16.12 जो हमारा फोर्थ कॉर्नर पॉइंट था उस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आई है, ठीक है, मैक्सिमम आई है, तो इस पॉइंट पे, इस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो जाता है हमारा फंक्शन। तो हमारा जो हम इसको कह सकते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(xy) इज एट कॉर्नर पॉइंट 16.12, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(xy) इज एट कॉर्नर पॉइंट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट, 16.12, ठीक है, तो इस पे हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है। तो यही हमने फाइंड करना था। यहाँ पर हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमने तो अपनी उन इनइक्वालिटीज को ड्रॉ किया, ठीक है, स्केच किया, उनके रीजन्स को, बाउंडेड रीजन को ड्रॉ किया, ठीक है, शेड किया उसको ब्लैक कलर से, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है वो हमारा फिजिबल रीजन भी है, ठीक है, और साथ में हमने फिर कॉर्नर पॉइंट्स देखे, चार कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे थे, उन चार कॉर्नर पॉइंट्स को हमने इंटरसेक्शन से फाइंड किया, ठीक है, और उसके बाद अपने फंक्शन में उसको उसकी वैल्यूज पुट की चारों कॉर्नर पॉइंट्स की, और फिर हमने अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, जिसपे मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो हमारा मैक्सिमाइज बनता है, ठीक है, मैक्सिमाइज हमारा फंक्शन उस कॉर्नर पॉइंट पे हो जाता है। अगर हमें इसके बजाय हमें कहा था मिनिमाइज, तो हम मिनिमम वैल्यू को देखते हैं, ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा हुआ है कि मिनिमाइज द फंक्शन, तो उसमें हम इस यही मेथड अप्लाई करेंगे सारा, ठीक है, इसी तरह से हम अपने फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करेंगे, बस हम एंड पे सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि हम उसमें
चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू की इसमें आई है, ठीक है। मैक्सिमाइज, इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज फाइंड करना था, उसके लिए हमने मैक्सिमम वैल्यू देखी कि किस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है, किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है। तो मिनिमाइज के लिए हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे आएगी, ठीक है। तो सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सब मेथड वही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप खुद से सॉल्व करेंगे यही मेथड अप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं।